हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक टू गुड। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप मीन्स आप अपने जो फॉन्ट डाउनलोड कर रखते हो अपने फाइल या फिर फाइल मैनेजर में, सो उस फॉन्ट को आप कैसे पिक्सल लैब एप्लीकेशन जहाँ से आप थंबनेल और बैनर इजीली बना सकते हो, उस पिक्सल लैब में आप कैसे अपना फॉन्ट्स कस्टम फॉन्ट्स लगा सकते हो। सो बहुत ही सिंपल ट्रिक मैं बताने वाला हूँ। ये वीडियो को आपको पूरा फुल देखना होगा अगर आपको ऐड करना है तो, और अगर किसी को नहीं आता है तो ये उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। सो ये वीडियो को ज़रा भी स्किप मत करना, पूरा फुल देखना। अगर आप पूरा फुल देखोगे तभी समझोगे और तभी अपना कस्टम फॉन्ट पिक्सल लैब एप्लीकेशन में लगा पाओगे। सो ज़्यादा इट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लो। मेरा नाम है हर्षराज और आप लोग देख रहे हो टेक टू गुड यूट्यूब चैनल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होगा, फाइल मैनेजर ओपन करना है अपना या फिर फाइल्स माई फाइल्स, और फिर इंटरनल शेयर्ड स्टोरेज में चले जाना है जैसा मैं चला गया हूँ। एंड देन यहाँ पे मैंने एक फोल्डर में अपना बहुत से फॉन्ट रखे हुए हैं। सो आपको ऐसा याद रखना है कि आपका जो फॉन्ट है वो जीप फाइल में होना चाहिए। सो अगर आपका जीप फाइल में नहीं होगा तो आपको ऐसा कोई फ़ोन डाउनलोड करना है जो कि पहले ही से जीप से हटा हुआ हो, एक्सट्रैक्ट किया हुआ हो। सो आप कर लोगे जैसा कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये वाला एक्सट्रीम डॉट जीप ऐसा ये वाला फॉन्ट मैं एक्सट्रैक्ट करके दिखा देता हूँ और आपको कस्टम फॉन्ट में लगा के भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ईयर पे क्लिक किया मैंने एंड ये फिनिश हो गया है एक्सट्रैक्ट हमारा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक्सट्रीम हमारा नाम था फॉन्ट का नेम। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारा आ चुका है एक्सट्रीम। यहाँ पे खोलोगे तो आपको यहाँ पे तीन फॉन्ट ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो तीन फॉन्ट फाइल्स है हमारे और एक दूसरा चीज़ है। सो आप क्या करना है, बैक चले जाना है, अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करना है। यहाँ पे हमने कर लिया ओपन अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे आपको ट्रायल के लिए समझाने के लिए आपको न्यू टेक्स्ट ही ये वाला रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैंने न्यू टेक्स्ट रहने दिया एंड यहाँ पे ओके एंड यहाँ पे फॉन्ट्स वाले सेक्शन में चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे आपको माय फॉन्ट्स वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे चले जाओगे उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर में टी जैसा है, फाइल्स के अंदर टी है लिखा हुआ, उस पर क्लिक करना है। एंड देन आप जो फोल्डर में रखे थे वो फोल्डर आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉन्ट्स फोल्डर था हमारा एंड एक्सट्रीम नाम का फोल्डर में हमारा फॉन्ट था। तो यहाँ हमारा आ गया और तीन फॉन्ट है यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था। अब इन तीनों को सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पे नीचे ब्लू कलर में जो आपको ऐड सेलेक्टेड का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दोगे आपका ये आ चुका है फॉन्ट यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे ढूंढ लेते हैं। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये हमारा तीन फॉन्ट आ चुके हैं, एक्सट्रीम, मीडियम, पर्सन, कुछ ऐसा है। सो तीन फॉन्ट हमारे आ चुके हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो ऐसा तीन फॉन्ट हमारा आ चुका है। ये ऐसा आपको देखने को मिल रहा होगा। ऐसे ही आप अपना कोई भी डाउनलोडेड फॉन्ट कैसे आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। सो इसी टॉपिक पे आज की वीडियो थी और ये अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक लाइक दे दो। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो वो जल्दी से जाओ और सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हो, वहाँ पे हम आपको 24 घंटे के अंदर आंसर दे देंगे। तो वहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बगल में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर दो ताकि हम जो भी वीडियो निकालें आप तक वो नोटिफिकेशन के तौर पे चले जाए। सो अगर आप को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।